Do you want to speak English like a native speaker? So don't worry because you're watching PPP, Perfect Pronunciation Program, and this is episode number three. Uh. Yeah. I'm your coach, Jess. In this episode, I'm going to talk about the syllables. But first of all, I request all of you to watch my first and second episode of PPP to have a better feel. Let's start the video. First of all, I will talk about the syllables because after learning syllables, you can access to learn the intonation pattern, the music of English language, the modulation, the pitch variations, the you know intonation patterns, much and more things. So, ladies and gentlemen, let's, let's start this. अगर आपका भी सपना है अंग्रेजी जैसा बोलना, अंग्रेजी को अंग्रेजी जैसा बोलना तो don't worry क्योंकि इस episode के through मैं आपको बताने की कोशिश करूँगा कि किस तरीके से आ वर्ड्स को डिवाइड कर सकते हो और उसकी एग्जैक्ट प्रोनन्सिएशन कर सकते हो ताकि एग्जैक्ट मीनिंग आए बिकॉज यू नो अगर आपको सिलेबल्स नहीं आते इफ़ यू डोंट नो सिलेबल्स देन यू कांट यू नो एल्टर द मीनिंग ऑफ इंग्लिश वर्ड्स इंग्लिश के वर्ड्स के कुछ मीनिंग को आप अल्टर नहीं कर पाओगे विभेदित नहीं कर पाओगे डिस्टिंग्विश नहीं कर पाओगे फॉर एग्जाम्पल रीड दिस वर्ड इस वर्ड को पढ़ो ध्यान से क्या लिखा है आप कहोगे रिकॉर्ड बिल्कुल सही आप कहोगे रिकॉर्ड है हम ऐसे कहते ना कि एक साल का पूरा रिकॉर्ड दिखाओ शो मी द रिकॉर्ड ऑफ वन ईयर इट्स रॉन्ग हाउ कैन यू साउंड इट ए क्लियरली इफ यू साउंड वेरी क्लियरली देन फर्स्ट ऑफ ऑल लर्न द सलेबस अगर इसमें मैं कहूँ कि आपको पहले इनिशियल सिलेबल को स्ट्रेच करने से ये बन जाता है आपका एक प्रोसेस लाइक like एक तरीके का मतलब आंकड़ा लाइक डाटा फॉर एग्जाम्पल सो मे द रेक रेकर्ड आई स्ट्रेच माई फर्स्ट सिलेबल रैकर्ड देन इट बिकेम्स डाटा क्या बन गया डाटा बन गया लेकिन मैं अगर सेलेबल सेकेंड को स्ट्रेस करूँ फाइनल सेलेबल को लाइक like खॉर्ड को तो ये बन जाएगा कुछ इस तरीके से रिकॉर्ड 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 खॉर्ड मैं खॉर्ड को स्ट्रेस कर रहा हूँ जब मैं खॉर्ड को स्ट्रेस कर रहा हूँ तो यह एक वर्ब बन जा रही है लेकिन जब मैंने रे यानी कि फर्स्ट सेलेबल को स्ट्रेस किया तो यह क्या बना नाउन बन गया so, देख रहे हो डिफ्रेंस कैसे आ जाता है कभी कभी हमें पता ही नहीं होता कि कहां पर सेलेबल है कहाँ पर स्ट्रेस होगा कहाँ पर क्या होगा हम गलत बोल के चले आते हैं हम बोलते हैं कि प्लीज शोमित रिकॉर्ड पूरा रिकॉर्ड दिखाओ मुझे शो शो में, में द रिकॉर्ड व्हाट हैव यू डन हियर रिकॉर्ड दिखाओ तो गलत हो जाता है रिकॉर्ड दिखाओ नॉट रिकॉर्ड वैसे ही एक वर्ड और देखो आप कहोगे ये लिखा है कंटेंट जी हाँ कंटेंट भी है इसी वर्ड को हम एक और साउंड करते हैं कंटेनट कंटेंट 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 अभी आप ये अंतर देख पा रहे हो मैं कह रहा हूं कंटेनट कंटेनट Taint, इसका मतलब टेंट यानी सेकंड सिलेबल को स्ट्रेस कर रहा हूँ तो ये बन जा रहा हैप्पीनेस की बात हो रही है खुशी की बात हो रही है जैसे कंटेंटमेंट इज हैप्पीनेस संतोषम परम सुखम सो कंटेंट मतलब खुश या खुशी वैसे ही कंटेंट का मतलब होता है कौन अगर फर्स्ट सिलेबल को स्ट्रेस किया तो ये कंटेंट बन जाता है जो मैं लिखता हूँ जो मैं आपको पढ़ाता हूँ फॉर एग्जांपल आई एम टीचिंग यू आई एम गिविंग यू माय इन्फॉर्मेशन टू यू दिस इज माय कंटेंट एंड दैट वाज द कंटेंट आई होप कि आपको डिफरेंस समझ में आ रहा है वैसे ही बहुत सारे वर्ड्स आपको मिलेंगे दुनिया में जिसको

तो एक क्लैपिंग मैथड भी होता है कि क्लैप करके कर आप चेक कर सकते हो कितने पार्ट में टूट रहा है जितने पार्ट में टूट रहा है वही सिलेबल कितने पार्ट में तोड़ पाओगे पार्ट नहीं हो रहा मतलब एक, एक, एक एक ही है उसके अंदर एक ही सिलेबल है जैसे कैट एक ही तारी बजी कैट लेकिन मैं यहाँ पे कहूँ फैंटास्टिक तो अब कितना पार्ट तोड़ेगा फैन 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 टिक फैन थ्री सिलेबल मतलब, वैसे ही आप कहोलीजन तो कितने पार्ट तोड़ोगे आप मतलब, चार चार पार्ट तोड़ रहे हैं ये जो पार्ट तोड़ रहे हैं ना इसी को बोलते हैं सिलेबल तो आज मैं आपको इसी के बारे में बताने वाला हूँ कि सिलेबल क्या होते हैं सिलेबल डिविजन क्या होता है सिलेबल स्ट्रक्चर क्या होते हैं सिलेबल स्ट्रेस क्या होता है, है तो इस वीडियो को पूरा ध्यान से दिखेगा टू हैव बेर फीलिंग मैं आपको अभी वाइट बोर्ड पर भी कई सारे कई सारे मैं आपको यू नो एक्सरसाइज करवा दूंगा जिससे आपको पूरा फीलिंग आ जाएगी इसकी सो लेट्स ना एम गॉथ दिलेबुल्ड सेल्फिफिकेशन विद द हेल्प ऑफ दिस पेपर ये पेपर देख सकते हो इस पेपर पर पे लिखा है बन्नाना राइट right? अब इस बनाना को मैं कितने पार्ट में डिवाइड करके पढ़ सकता हूँ फॉर एग्जाम्पल मैंने पढ़ा ब ना ना अब इसको फाड़ देते हैं देखो बहुत अच्छे तरीके से ठीक है अभी यहाँ पे देख सकते हो नाउ यू कैन सी नाउ यू कैन सी दिस आई हैव थ्री पार्ट्स ऑफ दिस वर्ड अब इस शब्द का मेरे पास तीन पार्ट है अब इससे ज़्यादा मैं तोड़ नहीं सकता था ठीक है देखो यहाँ पे ब ना ना बिकॉज कभी भी जो सेगमेंट होता है ना वो एक वॉल साउंड होनी चाहिए एक वॉल साउंड जरूर होना चाहिए एक स्वर एक ए ई आई ओ यू में से कोई एक होना चाहिए तभी ये डिवाइड हो सकता है ठीक है तो एक ब मतलब के साथ ये टूट गया ये टूट गया और ये टूट गया तीन पार्ट हुए इन्हीं एक एक पार्ट को हम बोलते हैं सेलेबल्स क्या बोलते हैं सिलेबल तो इस शब्द का एक सिलेबल दो सिलेबल और तीन सिलेबल हुआ कितने सिलेबल हुए थ्री सेलेबल्स तो सेलेबल मतलब होता है सेगमेंट ऑफ वर्ड्स किसी शब्द का सेगमेंट सेगमेंट ऑफ सेगमेंट ऑफ वर्ड शब्द का सेगमेंट ठीक हैविंग एटलीस्ट वन पॉइंट कम से कम उसके पास एक वॉल साउंड होनी चाहिए तभी वो जो सेगमेंट होगा ना वो एक सेलेबल कहलाएगा तो यहाँ पे एक सेलेबल बी ए बना एक सेलेबल बी ए बना क्या बना बी से बना एन ए और एन ए राइट तो यहाँ पे नंबर ऑफ सेलेबस कितने मतलब जितने सेलेबस होंगे उसी को नंबर ऑफ सेलेबस बोलते हैं हाउ इजी इट इज़ राइट तो कितने नंबर ऑफ सेलेबल हुए बनाना के अंदर थ्री सेलेबस राइट तो ये था पहले बनाना हमने एग्जाम्पल लिया था बी ए एन ए एन ए राइट तो भाई साहब देखो तीन सेगमेंट हुए बी ए एन ए एन ए तो कितने हुए सेलेबस थ्री सेलेबस थ्री सेलेबस नंबर सेलेबस में थ्री आ गया अब सेल्बीफिकेशन क्या होता है सेल्बीफिकेशन मतलब मैंने कैसे इसको तोड़ा क्या टेक्निक लगा के तोड़ा क्यों मैंने बी ए को साथ में तोड़ा क्यों ना मैंने बी ए एन को साथ में तोड़ दिया तो बैन आना बैन आना हो जाता राइट right? लेकिन बैन आना ना किया रहा? मैंने इसको ब ना ना किया ठीक है तो ये चीज़ें ना सेल्बीफिकेशन कहलाती है सेल्बिफिकेशन मतलब होता है द प्रोसेस ऑफ प्रोसेस ऑफ प्रोसेस ऑफ डिवाइडिंग द दर्ड डिवाइडिंग द वर्ड

नाउ लेट्स डू द सेलिफिकेशन अब हम करते हैं कुछ सेलिफिकेशन जिससे हमारी प्रैक्टिस हो सकती है जिससे हम सेलेबस को बहुत अच्छे तरीके से समझ सकते हैं यहाँ पर मेरे पास कुछ वर्ड्स हैं जिसको हम डिवाइड करके देखेंगे कितने इसके अंदर सेलेबस हैं नंबर ऑफ द सेलेबस वी विल फाइंड आउट ठीक है तो सेलिबिफिकेशन मतलब क्या होता है ये मैंने बताया ना प्रोसेस ऑफ डिवाइडिंग द वर्ड्स शब्द को तोड़ने के प्रोसेस को क्या बोलते हैं सेलिबिफिकेशन बोलते हैं तो सबको सेलिबिफिकेशन करके देखते हैं कि कितने इसके अंदर नंबर ऑफ द सेलेबस हैं सबसे पहले देखो सेलिफिकेशन करने का जो आधार होता है द बेस ऑफ द सेलिफिकेशन इज़ विद वॉवल साउंड साउंड जितने भी हैं, ऐसे ए ई e, आई ओ, यू ठीक है और सेमी वावल भी कभी कभी लास्ट में और लास्ट में आ जाता है डब्ल्यू एन वाई ठीक है तो ये सेमी वावल है और यहाँ पे वॉल साउंड है ए यू, इसकी साउंड कहीं पर भी आए तो वहीं से डिवाइड हो जाती है ठीक है और डबल कॉन्सनेट तो वहाँ पर स्प्लिट हो जाता है अगर डबल कॉन्सनेंट आएंगे तो वहाँ से भी स्प्लिट हो जाएगा जैसे यहाँ पे देखिए खैथ यहाँ पर कितने वावल हैं एक वॉल साउंड है खैथ और एक ही इसका पार्ट बनेगा जिसके मतलब एक ही सिलेबस यहाँ पर फॉर एग्जाम्पल पढ़ो इसको खैथ एक क्लैप हुई cat चुटकी से यानी स्नैप से भी कर सकते हो क्लैप से भी कर सकते हो क्या है cat 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 एक बार यानी कि ये है एक सिलेबल इसके अंदर dog एक सिलेबल बस एक सिलेबल snake इसके बाय द वे यहाँ पे ई साउंड तो लगी है लेकिन इसकी साउंड नहीं आ रही है नहीं तो यहाँ से भी डिवाइड हो जाता ठीक है तो यहाँ से ए से टूट जाता है तो ये आता है स्नेक ऐसे बन जाता है ऐसे तो है नहीं स्नेक है ये ये क्या है स्नेक ख ख स्नेक यानी कि एक पार्ट ही हो रहा है भले से यहां पे एक वॉल साउंड लगी हुई है तो इससे कंफ्यूज मत हो जाइएगा साउंड एक ही आ रही है एक ही साउंड आ रही है बस स्नेक ठीक है इसीलिए साउंड अगर आती तो ई से यहाँ से भी डिवाइड हो जाता तो इसलिए यहां ए, इसका भी एक ही सिलेबल है इसका भी एक सिलेबल है इसका भी एक सिलेबल है डोर डबल ओ लगने से मतलब ऑल साउंड तो दो दो लगी है लेकिन साउंड एक ही आ रही है डोर तभी से हम एक ही इंक्लूड करेंगे तो ये कितना हो गया एक ही हो गया तो ऐसे कुछ वर्ड्स जिनके अंदर एक ही सिलेबल होते हैं एक ही सेगमेंट होते हैं इनको क्या बोलते हैं हम लोग नाम देते हैं। क्या ला देते हैं right? हैं हैं क्या मोनो राइट ये और इन सारे वर्ड्स को बोलेंगे मोनोसेलेबिक क्योंकि इसके पास एक ही सिलेबल है मोनो सेलेबिक राइट तो ये मोनोसेलेबिक वर्ड यहां पे हैं तो ऐसे बहुत सारे मोनोसेलेबिक की लिस्ट आप बना सकते हो जिससे आपकी प्रैक्टिस हो जाए अब यहां पे चलते हैं पे कुछ देखो कुछ वर्ड्स हैं जैसे कैक्टस खैक्टस इंडेक्स स्टैटिक पता करना चाहते हो वैसे बिना लिखे कहीं पे तो आप क्लैप मेथड यूज करो क्लैप मेथड क्या कहता है कि उसको पढ़िए साथ में और क्लैप करिए जैसे, पब्लिस में कि दो, दो ही तो वैसे नैप किन में नैप खिन नैप खिन गॉट दो पॉइंट वैसे इंडेक्स में इन डेक्स इन डेक्स स्टैटिक में स्टैटिक स्टैटिक गॉट द पॉइंट ऐसे भी पहचान सकते हैं तो यहां पे आपको देखना वॉल साउंड देखनी है जहां पे डबल कॉन्सटेंट मैंने बोला है कॉन्सेंट डबल डबल आ जाए देखो सी जा, और टी साथ में आया हुआ तो यहां से बीच से स्प्लिट हो जाएगा तो ये और टस खैक टस तो एक एक वॉल साउंड के साथ अलग हो गए फब लिस, लिस तो यहाँ बी से स्प्लिट हो जाएगा यहां पे देखो डबल कॉन्सेंट है तो यहां से भी स्प्लिट हो जाएगा तो नैप खिन नैप खिन यहां पे देखिएगा मैंने लिखा इंडेक्स

थ्री पार्ट बनाना, आई ऑलरेडी शुरुआत में तीन तीन पार्ट है साथ में तो बी से टूट जाएगा मैंने बताया ना तो फैन हो गया फिर यहाँ पे डबल डोल कॉन्सेंट एसओ तो इससे बी से, से स्प्लिट हो जाएगा तो फैन टास हो गया और टिक फैन टिक फैन टिक यानी कि थ्री सिलेबल्स वैसे देखो खनसिस कंसिस्टेंट में कैसे टूटेगा जहां से डबल साउंड डबल कॉन्सटेंट वहां से भी टूट जाएगा जहां से वॉल साउंड वहां से टूटता है तो यहाँ पे देखिए डबल कॉन्टेंट अगर ना होता तो यहीं से सी ओ से टूट जाता लेकिन डबल कॉन्सेंट होने की वजह से यहाँ पे टूट रहा है एन से टूट जाएगा तो ये खन फिर उसके बाद देखिए यहाँ पे डबल साउंड एस है तो यहाँ से भी खनसिस और टेंट मतलब एक वॉल साउंड के साथ इतना बन गया कंसिस्टेंट 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 तो कितने इसमें सेलेबल थ्री सेलेबल्स वैसे ही बनाना मैंने ऑलरेडी बताया था तो ब ना ना ब ना ना तो थ्री सिलेबल्स जिनके पास थ्री सिलेबल्स होते हैं ऐसे वर्ड्स को बोलते हैं हम लोग है? है, दो ट्राईबस तीन सिलबल तो ट्राई सेलेबल हो गया से ट्राई सेलेबिक वर्ड्स बोल दिया गॉट द पॉइंट अब तीन से ज्यादा कोई रहता ना उसे पॉली सेलेबिक नाम देते हैं जैसे यहाँ पे कुछ वर्ड्स लिखा मैंने यहाँ पे चेक करो खे कैलकुलेटर लिखा है तो ऐसी Cal, Cal, Ku, Lay, कितने हुआ Cal, Ku, Lay, चार हो गया वैसे ही everybody लिखा मैंने everybody. तो आपको करो ए रि एव एव मतलब ए हुआ ए व रि ब डी पांच हो गया देख रहे हो जो मतलब तीन से ज्यादा सिलेबल्स आने लग जाए ऐसे वर्ड्स को बोलते हैं पॉलीसिलेबिक वर्ड्स ठीक है तो ये हो गया कैल क्यू ठीक है ट्यू थ्री फोर फार्ट यानी कि फोर सिलेबल्स वैसे एवरी बॉडी में पहले तो ई e साउंड अकेली निकल जाएगा यहाँ पे ठीक है शुरुआत में यही है और यहाँ पे एक उसके बाद भी यही है इसलिए यहाँ पे एक ई e साउंड खुद ही बना लेगी अपना एक सिलेबल ए हो गया ए व एव री वाई से मैंने बोलता ना वाई भी क्या होता है कॉन्सेंट में आता है ठीक है मतलब वॉल साउंड में आता है तो यहाँ पे एव री एवरी, एवरी तो, तो री से तोड़ जाएगा एवरी बी ओ से बॉ हो जाएगा डी डी वाई से डी हो जाएगा ए व री बॉ डी एवरी बॉरे एवरी बॉरे समझना तो वन टू थ्री फोर फाइव तो पांच सेलेबस इसके अंदर आ गए तो ये फोर फाइव सिक्स वाले सेलेबस तो वाले वर्ड्स होते हैं इनको क्या बोलेंगे हम लोग फॉली सेलेबिक वर्ड्स बोलते हैं फॉली सेलेबिक वर्ड्स I hope कि आपको अब सेलिब्रिफिकेशन सलिफ, करने में दिक्कत नहीं होने वाली Ladies and gentlemen, now we are going to talk about the types of syllables. अब हम सेलेबल के प्रकार समझ लेते हैं कि कितने टाइप के सेलेबल होते हैं हमने पहले बात कर लिया कि नंबर ऑफ द सलेबल के बेसिस पे हमने बात किया था जैसे मोनोसेलेबिक डाय -सलिबिक, ठीक है ट्राई सेलेबिक अब बात करते हैं यहाँ पे जो स्ट्रक्चर बेस्ड पे है स्ट्रक्चर बेस्ड पे आपको छह तरीके के नजर आते हैं ओपन क्लोज्ड वावल टीम वावल कॉन्सनट ई सेलेबस डिफ्त एंड कॉन्सनट एल ई इसको खटाखट से समझते हैं इसके ऊपर हम एक एग्जैक्ट एक और वीडियो लेकर आएंगे ठीक है एक सेपरेट वीडियो लेकर आएंगे ताकि ये वीडियो थोड़ी बड़ी ना हो जाए ठीक है इसलिए मैं इसे छोटा करूंगा इस थोड़ा सा अंडरस्टैंडिंग समझाऊंगा बस इसके बारे में ओपन जो सलेबल होगा ओपन मतलब खुला राइट ऐसे सिलेबल जो लास्ट में किसी वावल साउंड है वावल साउंड है ठीक है या फिर लास्ट में हमेशा वावल रहना चाहिए तो उसको ओपन बोलते हैं वॉल मतलब ओपन समझ जाओ वावल है तो ये ओपन है लास्ट में अगर वावल रहेगा अगर सी है यानी कॉन्सनेट है तो वो क्लोज के अंदर गिना जाता है गॉट द पॉइंट जैसे हम अगर कोई एग्जाम्पल लिखे बी ई बी ई लिख दिया बी ई लास्ट में एक वावल साउंड आया है तो बी पढ़ते हैं बी राइट तो ये कौन सा होगा ओपन सेलेबल होगा जैसे अगर हमने लिख दिया आई आई

जैसे देखो सी मतलब वावल होना फिर कॉन्सेंट आ जाए जा, फिर या फिर वावल बीच में हो जाए कॉन्सेंट आजू बाजू हो जाए या फिर वावल इसके पहले एक कॉन्सटेंट उसके बाद दो तो दो, दो से ज़्यादा कॉन्सेंट्स आ जाए जा, तो उसको हम क्लोज सिलेबल बोलते हैं फॉर एग्जाम्पल आगे लिखते हैं जैसे अगर हमने लिखा कोई एग्जाम्पल इसके अंदर लाइक वी कैन जस्ट टेक एग्जाम्पल ऑफ क्लोज सिलेबल इज़ लाइक इस तरीके से लिखते हैं गेट राइट right. या फिर लिख दिया एन या फिर लिख दिया एट इस समय देख रहे हो पहले वावल आया फिर उसके बाद क्या है कोई कॉन्सेंट आया तो ये इस वाले को फॉलो कर रहा है ये इस टाइप का है गेट में ये वाला फॉलो कर रहा है अभी देख सकते हो वावल बीच में है इसके एक बगल में क्या है कॉन्सेंट है दूसरे बगल में भी कॉन्सेंट है तो ये गेट क्लोज सेलेबल ये भी क्लोज सेलेबल तो ऐसे जो होता है ना उसे क्लोज सेलेबिक वर्ड्स बोलते हैं ये क्लोज सेलेबल है वैसे वावल टीम जो सेलेबल होता है वावल टीम मतलब हो गया कि वावल का टीम आना चाहिए टीम किसे कहते हैं जो दोनों मिलकर एक ही काम करें सो टीम बोलते हैं जैसे क्रिकेट के प्लेयर्स लोग क्या करते हैं दे प्ले द क्रिकेट एंड दे जस्ट डू वन थिंग राइट वो अपनी टीम को जिताना चाहते हैं सब लोग मिल के, सारे प्लेयर्स लोग वैसे ही जो वावल टीम आता है उसमें एक या दो या दो तीन वावल साथ में आते हैं वो एक ही साउंड देते हैं फॉर एग्जाम्पल अगर हमने लिख दिया बी ओ ए टी बाउट अब ओ ए से एक ही साउंड आ रही है बोट बोट ओ साउंड आ रही है कौन सी साउंड आ रही है ओ साउंड आ रही है एक साउंड आ रही है जब इसका हम सिलेबल लिखेंगे ना तो इस तरीके से कुछ लिखा जाएगा पहले हम बी लिख देंगे फिर उसके बाद ओ ओ साउंड लिख देंगे फिर उसके बाद टी लिख देंगे इसे बोट ठीक है तो ये बोट हो जाएगा इस तरीके से हमें दो ही मतलब ए की साउंड आ रही है बी ओ ए की इसलिए बोट हो गया ठीक है तो इसे बोलते हैं वावल टीम या फिर हमने लिखा था डी ओ ओ आर डबल ओ से भी ओर डोर डोर ए की साउंड आ रही है गॉट द पॉइंट तो ऐसे वाले जो कौन जो सेलेबस होंगे इसे मांगे वावल टीम सिलबस वैसे आता है वावल कॉन्सेंट ई सेलेबस इसे मैजिक ई भी बोलते हैं आई थिंक आपको ये समझ, ये समझ में आ गया ये समझ में आ गया ये समझ में आ गया अब हम बात करते हैं इसके बारे में थोड़ा फास्टेस्टली हो रहा हूँ क्योंकि मैं चाहता हूँ कि वीडियो थोड़ी शॉर्ट में रहे और नेक्स्ट वीडियो हम इसके ऊपर पूरा लेकर ही आ रहे हैं नेक्स्ट एपिसोड में राइट तब तक के लिए आप लोग थोड़ा सा इंतजार कर लीजिए उसको समझ जाइए वाउुल कॉन्सनेट ई सिलेबल जो ई सिलेबल होता है लास्ट में ई लगने से उसकी मैजिक हो जाती है देखिए जैसे हम लिखते हैं के आई टी किट क्या देख किट बहुत सिंपल सा किट है लेकिन लास्ट में ई लगा देने से मैजिक होता है ई को तो प्रोनाउंस नहीं करते लेकिन उसके पहले वाली साउंड की जो साउंड होती है वो चेंज हो जाती है ये वाली जो यहाँ पे वॉइस आ रही थी वो चेंज हो गई है अब इसको पढ़ेंगे खाइट अभी तक तो किट था अब क्या हो गया खाइट तो इसने मैजिक ऐसा कुछ किया कि इसकी साउंड बदल गई ठीक है तो इसे बोलते हैं कॉन्सोनेंट ई साउंड ठीक है देख रहे हो आप यहाँ इसके बाद एक वावल है फिर कॉन्सोनेंट फिर वावल है मतलब ई उसके लास्ट में आ रहे थे इसे बोलते हैं कॉन्सोनेंट वावल कॉन्सोनेंट ई सिलेबल ठीक है जैसे हम जी ए टी गैट पढ़ रहे हैं लगने से क्या पढ़ देते हैं उसको गेट पढ़ देते हैं सी ए टी को कैट पढ़ते हैं उसके लास्ट में ई लगने से खेट पढ़ते हैं राइट right? हमने सी ए एम लिखा इससे हम कम पढ़ सकते हैं कैम पढ़ सकते हैं लेकिन लास्ट में ई लगने से केम पढ़ते हैं गॉट द पॉइंट ये मैजिक ई का काम करते हैं तो मैजिक ई भी बोलते हैं तो ये इस तरीके का कुछ रहता है तो उस हम वावल कॉन्सेंट ई सेलेबल बोल देते हैं डिफ्ट डिफंग दिफ्तंक मतलब होता है कि दो राइट right? डबल डिफंग्स ऐसे कुछ वाउल साउंड्स ऐसे जो कुछ जो जिनको सेपरेट पढ़ा जा सकता है राइट उन्हें बोलते हैं डिफ्ट फॉर एग्जाम्पल हमें लिखा डाइट डाइट राइट क्या लिखा डाइट तो डाइट मतलब हमें अच्छी डाइट लेनी चाहिए फॉर द गुड हेल्थ वी शुड टेक प्रॉपर डाइट तो ये वाला डाइट है आई भी अलग से पढ़ा जाता है ई भी अलग से पढ़ा जाता है डिफथंक्स में रखा जाता है वैसे हम अगर एक और रख लें जैसे कि एच ई ए आर हीयर हेयर मतलब सुनना ई e मतलब ए आर मतलब ई ए से ई या साउंड आ रही है हीयर हीयर लेकिन वावल कौन इसमें टी, वावल टी में क्या था तो एक ही साउंड दे रहा है जैसे ओ ए से एक ही साउंड बोट बोट राइट ओ इसमें ई या इसमें आई जैसे ई या राइट जैसे डाइट आर आट तो इसके अंदर दोनों साउंड हमें क्लियरली समझ में आ रही है इसलिए इससे बोलते हैं हम लोग डिफ्ट सेलेबल ठीक है डिफ्टंग सेलेबल उसके बाद आता है कॉन्सेंट एल ई कॉन्सटेंट एल ई क्या करता है भाई देखो किसी भी वर्ड के लास्ट में अगर एल ई आता है तो उसको हम इन्होंने लिखा सी के ए डबल टी अली क्या पढ़ोगे इसको केटल केटल तो नहीं पढ़ सकते केटल है ही नहीं यह है खेटो, ओ, ओ, खेटो ओ ओ ओ ओ खेटो हमने लिख दिया पीई टी पी ए इस तरह के इसको लिखते वर्ड पता नहीं है कि नहीं देख लो फटो इसको फटो ओ ओ आएगा एल ई लास्ट में आया तो इसके बोलते हैं एल आई होप जो टाइप्स ऑफ सिलेबल्स था आपने इसको पहचान लिया आप मुझे एक वर्ड बताना कि ये किस टाइप का सिलेबल रहेगा हमने आपको दिया वर्ड की आप मुझे पहचान के बताओ ट्री ये किस टाइप का ओपन सिलेबल है या फिर क्लोज सिलेबल है इसको करके बताना या फिर वॉल टीम आ रही है या फिर वॉल कॉन्सेंट ये आ रहा है कि डिफ्टेंस है कॉन्सेंट एल है क्या है इसको बताइए जरूरत आई होप कि आपको टाइप्स ऑफ द सिलेबल्स क्लियर हो चुके होंगे नाउ वी आर गोइंग टू टॉक अबाउट द स्ट्रक्चर ऑफ द सिलेबल अब हम सिलेबल के स्ट्रक्चर के बारे में बात करेंगे ये वीडियो काफ़ी इफॉर्मेटिव हो रही है क्योंकि पहली बार आपको ये चीज़ें मैं इफॉर्मेशन दे रहा हूँ ताकि इन्फॉर्मेशन पहले हो जाए उसके बारे में फिर हम जब प्रैक्टिस टर्म लेकर आएंगे ना उसमें बहुत ही मज़ा आएगा क्योंकि आपके पास ऑलरेडी इफॉर्मेशन होगी क्योंकि इफॉर्मेशन ना होने की वजह से प्रैक्टिस अच्छे से नहीं हो पाती है इसीलिए मैं आपको इफॉर्मेशन ज़्यादा दे रहा हूँ ठीक है हम बात करते हैं स्ट्रक्चर ऑफ सिलेबल के बारे में ये किस चीज़ का इन्फॉर्मेशन देता है देखो पहले तो आप समझो एक ग्रीक सिंबल है जिसे बोलते हैं सिग्मा क्या नाम है इसका सिग्मा सिग्मा से हम दिखाते हैं किसको सिलेबस को सिलेबस ना कहने के बजाय लोग सिग्मा को दिखा देता है सिग्मा और सिग्मा को दो पार्ट में डिवाइड करते हैं यानी कि सिलेबस को दो पार्ट में डिवाइड करते हैं पहला होता है ऑनसेट कौन सा आता है ऑनसेट ये ऑनसेट क्या भी बता रहा हूँ पूरा फील आएगा ऑनसेट दूसरा जो पार्ट आता है उसे बोलते हैं हम लोग राइम क्या बोलते हैं राइम फिर ये राइम को भी दो पार्ट में डिवाइड किया जाता है एक होता है आपका न्यूक्लियस राइट होता है न्यूक्लियस और दूसरा होता है आपका कोडा अब ये कोडा न्यूक्लियस राइम ऑनसेट ये सब क्या है एकदम क्लियरली समझा रहा हूँ बहुत अच्छे तरीके से समझ में आएगा लाइफ में पहली बार है ना जैसे यूपी में पहला बार है का सेम वैसा ही है देखो ऑनसेट राइम और ये पहले सबसे पहले ना कि किसी भी सिलेबल का स्ट्रक्चर बनाने से पहले आपको क्या समझना है न्यूक्लियस को समझना है क्योंकि न्यूक्लियस इज द बेस जैसे अगर हम सेल की बात करें कोशिका की बात करें तो कोशिका के अंदर सेल के अंदर क्या होता है द मेन पार्ट इज सेल सेल के अंदर क्या होता है न्यूक्लियस पाया जाता है कहते हैं न्यूक्लियस इज द मेन राइट जहाँ से सब कुछ मैनेज होता है वैसे ही किसी सेलेबल का अगर न्यूक्लियस पता करना है तो न्यूक्लियस में क्या आएगा वाउल साउंडस वाउल साउंड्स जो वाउल होते हैं वही न्यूक्लियस में आते हैं फॉर एग्जाम्पल अगर मुझे सी ए टी कैथ क्या एक वर्ड है जिसका मुझे स्ट्रक्चर बनाना है सेलेबल स्ट्रक्चर बनाना है तो सबसे पहले मुझे क्या करना होगा ना यार सबसे पहले सिग्मा है ये हमारा दो पार्ट में तो है ऑनसेट ये सब टूट गया सबसे पहले देखना न्यूक्लियस क्या है न्यूक्लियस मतलब वॉल साउंडस वावल में क्या है ए है तो हम यहाँ पे न्यूक्लियस में ए रख देंगे ए भैया वॉवल में है हमारा उसके पहले जो आता है वॉल के पहले जो आता है उसको बोलते हैं हम लोग ऑनसेट तो ऑनसेट में क्या बचा है सी है तो सी क्या हो गया ऑनसेट वैसे टी उसके बाद आने वाले को कोडा में रखते हैं कोडा टी में है ठीक है तो हो सकता है कुछ ऐसे वर्ड्स हो जिसमें कोडा ना हो जिसमें ऑनसेट ना हो बस न्यूक्लियस तो होना जरूरी है न्यूक्लियस नहीं है तो होगा नहीं है कोई वर्ड ही नहीं हो सकता बिना न्यूक्लियस का फॉर एग्जाम्पल अगर मुझे लिखना है एट एट का स्ट्रक्चर बनाना है तो एट का स्ट्रक्चर कैसे बनेगा एट में हमें ए वाउल साउंड है तो ए तो हमने इसमें लिख दिया और टी कोडा है उसके बाद आया तो कोडा टी में चला जाएगा और इसके पहले ऑनसेट में कुछ नहीं बचा तो भैया ऐसा भी हो सकता है कि ऑनसेट ना रहे कोडा भी ना रहे फॉर एग्जाम्पल आय आय क्या है एक ऐसा वर्ड है जिसमें बस वॉल साउंड आई है इसमें कोई भी कॉन्सेंट साउंड नहीं है तो इसको हम कैसे लिखेंगे आई लिख देंगे यहाँ न्यूक्लियस वाले में और कोडा और कॉन्सेंट फ्री रहेंगे को, कोडा और कॉन्सेंट नहीं है इसमें ठीक है तो ऐसे ही मुझे लिखना अगर मान लीजिए सेंटर या फिर सेंट लिखना है सेंट अभी देखो एक सब एक ही ए मोनोसिलेबिक के लिए लिख रहा हूं जब मुझे डाई सेलेबिक के लिए लिखना पड़ेगा ना तो दो सिग्मा बनाना पड़ेगा क्योंकि उसमें दो दो सिलेबल्स आएंगे तो एक सिग्मा यहां बन जाएगा दूसरा वहां पर बन जाएगा सब करा रहा हूं देखो सेंट में भी एक ही है तो इसमें से पहले सी ई लिख दो तो ई यहां पर हमने लिख दिया न्यूक्लियस वाले में ई लिख दिया फिर उसके बाद से एन और टी जो ये देखो जब भी कॉन्सोनेंट दो 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 आ जाते हैं तीन तीन आ जाते हैं साथ में ना बिना किसी वॉल के बीच में गैप तो साथ में है तो उसको बोलते हैं कॉन्सोनेंट क्लस्टर एक ही चीज़ जान लीजिएगा बागे में बताएंगे कॉन्सोनेंट कॉन्सोनेंट क्लस्टर्स के बारे में एक वीडियो लेकर आऊंगा मैं क्लस्टर्स तो ये कॉन्सोनेंट क्लस्टर है कॉन्सोनेंट क्लस्टर जानना भी बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है क्योंकि इससे भी प्रोनसीसन बहुत अच्छी होती है तो कॉन्सोनेंट क्लस्टर है फिर उसके तो ये कॉन्सोनेंट क्लस्टर किस में जाएगा कोडा में जाएगा क्योंकि वर्ल्ड के बाद है तो वर्ल्ड के बाद वाले में कोडा में रखा जाता है तो एन और टी किस में आ जाएगा कोडा में आ जाएगा फिर उसके बाद सी पहले था ऑनसेट में आ जाएगा समझ में आ रही है तो इस तरीके से हमें लिखना पड़ता है किसी भी शब्द का यू सिग्मा यानी कि सिलेबल को यह होता है स्ट्रक्चर अब हम कराएंगे आपको कुछ ऐसे वर्ड्स जिसमें दो 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 आ आ जाएंगे जाएंगे तीन तीन तो उसके करा देते हैं लेडीज आपको दिखाता हूं एक डायलेबिक वर्ड का किस तरीके से हमें बनाना पड़ेगा ध्यान से डायसेलेबिक वर्ड कोई भी ले लेते हैं जैसे किस लेते हैं खैकस का लिखते हैं हम लोग ये डाई है क्योंकि इसमें दो आते हैं खैक और टस तो दो सिलेबल हैं इसका लिखने के लिए पहले एक सिलेबल बनाओ इसका ठीक है मतलब एक ऑनसेट दूसरा रिम राइम हो गया आपका इस राइम का दो पार्ट एक आपका न्यूक्लियस और एक आपका कोडा तो लिखना शुरू करते हैं इसमें देखो सबसे पहले यहाँ पे खैक तक एक वर्ड है ठीक है एक वर्ड मतलब एक सिलेबल तो इस सिलेबल के लिए लिखते हैं ये वाला तो ये हो गया खैक मतलब खैक के लिए देख पा रहे हो आप सी पहले आ रहा है ऑनसेट पे ए आपका न्यूक्लियस है सी आपका कोडा में आता है फिर दूसरा सिलेबल बनाओ तो उसमें आपने किस इसी तरीके से कर लिया ऑनसेट रैम राइम का दो पार्ट न्यूक्लियस और आपका कोडा ठीक है तो को न्यूक्लियस और कोडा में लिखना शुरू करिए तो न्यूक्लियस में लिखोगे आप तो न्यूक्लियस में क्या है यू ठीक है और उसके पहले टी उसके पहले उसके बाद क्या है एस तो ये खैक्टस का बन गया लेकिन अभी इसे करेक्ट मानना थोड़ा सा देख पा रहे हो यहाँ पे यहाँ पे कॉन्सेंट क्लस्टर दिख रहा है तो ये ज्यादातर कोशिश करता है ना ऑनसेट इज लवर ऑफ यू नो ये जो ऑनसेट होता है ऑनसेट पे लिखा ना टी तो ये लवर है कॉन्सेंट का तो सबसे पहले यहाँ पे जो कोडा में वाले पहले वाले वर्ड का यहाँ पे जो कोडा में सी आ रहा था ये ज्यादातर कोशिश करेगा सी और टी साथ में रहने का ठीक है ये थोड़ा सा एक्सेप्शन है इसको देखिएगा तो हम इसको अलग अलग नहीं बना सकते जैसे तो नॉर्मल बन गया लेकिन आप कोशिश करना ये जो सी यहाँ से कोडा से हटा के इसमें ऐड कर दो अब इसको पढ़ो खेक क्टस कैक्टस राइट इस तरीके से बन जाता है तो अगर जितने भी सिलेबस आएंगे उतना ही इसे बना लीजिएगा अपना थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो तो आज की वीडियो में इतना ही एक वर्ड और कराऊंगा मैं लास्ट में आपसे तो स्ट्रक्चर ऑफ सिलेबस में आ गया जर्मल मैं आपसे एक और बात करना चाहूंगा जैसे कि अगर आपको स्ट्रक्चर नॉर्मल लिखना है तो किस तरीके से लिखेंगे हाउ विल यू राइट द सलेबस सिलेबल्स को लिखेंगे कैसे तो, ये तो हो गया कोडा और बहुत ही बेस पे लेकिन अगर मान लीजिए आपको लिखना है डी जनरेट एक वर्ड है डी जनरेट वर्ड लेते हैं इसको अगर कहा जाए कि प्लीज़ राइट डाउन द स्ट्रक्चर ऑफ इट इसका स्ट्रक्चरल फॉर्मूला में लिखो तब तो स्ट्रक्चर बनाओगे ना तो इस तरीके से कुछ बन जाएगा पहले आप डी ई e लिखोगे फिर जी ई e लिखोगे इसमें हाइफन लगाते लगाते बनाया जाता है एन ई e लिखेंगे फिर आर ए लिखेंगे फिर इसके बाद टी ई e लिखेंगे तो ये डी जनरेट बन गया कितने सिलेबल हो गया वन टू थ्री फोर फाइव फाइव सिलेबल बन गया अब ये डी जनरेट हमने सिलेबल बनाते दिया अब इसको हम लिखेंगे किस फॉर्म में हम इसको लिखेंगे स्ट्रक्चर फॉर्म में तो सी मतलब होता है कॉन्सोनेंट मैंने ऑलरेडी बताया कॉन्सोनेंट कॉन्सुनेंट और वी मतलब होता है वावल वॉल साउंड ठीक है वॉल साउंड तो जहाँ पे कॉन्सोनेट आएगी वहाँ पे सी लिखना हो जहाँ पे वॉल आएगी तो वहाँ पे वी लिखना है बस इस तरीके से तो डी ई e में आप देख पा रहे हो सी है फिर ई e आया तो इसका मतलब वी है फिर उसके बाद यहाँ पे जी में सी है फिर उसके बाद एक वावल है फिर यहाँ पे आप देखें एक फिर से सी है फिर ई है फिर इसके बाद सी है फिर उसके बाद वी है फिर उसके e बाद सी है, है, है और वी है तो ये हो गया इसका स्ट्रक्चरल फॉर्मूला राइट यह हो गया स्ट्रक्चर ऑफ द सिलेबल गॉट द पॉइंट तो ऐसे बोर्ड वगैरह में लिखने के लिए भी देता है क्लास ट्वेल्थ में अगर आप इंग्लिश मीडियम से हैं